हमर बाबा हमसे एगो हमेशा कहावत कहस कि खा बच्छा बिकैब तू आ ना खैब पछतैब तू आ खैले रहब तबे न बिकैब तू। तो नमस्कार, हम बानी जीत कुमार और हम सब चालू कर दिल बानी न्यूज तक भोजपुरी देखे। दरअसल जब बात कर बानी और रिव्यू कर बानी भोजपुरी फिल्म लाडो के ट्रेलर रिलीज हो गई बा, हम एक रिव्यू करम और बताएं कि कितना खास बटे। चलिए ये सब कुछ देखे से पहले वो काम करी, चैनल बनाए बने सब्सक्राइब करी, बेल आइकन घंटी जरूर दबाई, बाकी संग मित्र और दौर दयास संग भी कहकर के शेयर कर दी जो ना फिल्म का नाम बा लाडो वाला रिव्यू भाई। तो चलिए हमने के वीडियो चालू कर दिया जाए। एक्चुअली लाडो फिल्म के लेके हमारा बड़ा उम्मीद रहा है, लेकिन कबो कबो कहल जला कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, इसे फिल्म में ऐसा हो दिखाई दे रहा। एमे फिल्म के अगर हमने के शुरुआती कहानी देखल जाओ तो शुरुआती कहानी में देखे के मिलता है कि कैसे मतलब निधि झा अपना लवर्स के संगे प्यार करत बड़ी, प्यार करत करत वो इतना आगे तक बढ़ जाता रही कि अब उनका साथे मतलब प्यार के दूसर वाला खेल भी खेले लागत बड़े। अब प्यार के दूसर वाला खेल खेलला के बाद भाई केहूँ ने बच्चा तो होके करी, अब बच्चा होखे वाला रहत बटे तब तक घर के लोग के भाई मान मर्यादा शान के ये थोड़ा सा खिलाफ होते बड़े, तो लोग कहता कि ना ना बच्चा के गिरवा द गिरवा द गिरवा द, ओकर बाद से शादी कर लिया जी। अब एमे मतलब उनकर लवर्स भी इन्वॉल्व रहते रहन और दोनों जाना के फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाते पड़ी। अब इस सब कुछ देख एगो पेट में पल रहा बच्चा के मतलब ऐसा एहसास होत बा, ऐसा एहसास होत बा कि यार हमार जीवन हमके पैदा होके से पहले ही हमके नष्ट कर दिया जी, यानी बहुत ही अचंभा वाली बात हो जात भी है। तो सेम बस उहे एकर एगो कहानी बट ओकर बाद से लड़का के गिरवा ले तरह में जा, शादी भी कर ले तो बढ़न जा, और शादी कैला के बाद कैसे वो बच्चा जब मर गए रहत बटे ओके गने के बदला लेत बा सबकरा से, इहे बटे ए फिल्म के मेन कहानी। और थोड़ा सा जब आगे बढ़त बटे तो एक जना कहत बड़न मतलब तांत्रिक उंत्री की अब ए आत्मा के भगावे खातिर एक ही आदमी बाटे उ बड़न फलाना, और वो मतलब यश कुमार के ओजा एंट्री होत बा, और यश कुमार मतलब इतना बड़का ओझत रहत रहन कि 50-50 गो लौंडियन के संगे डांस करत रह, मतलब यार हिपोक्रेसी के पूरा सीमा पार कर। अब एक तरफ उस न्याय और सच्चाई और इस सब कुछ के मतलब माहिर रहत बड़ा, लेकिन फिर भी 50-50 को लौंडियन के साथ या डांस करता रहा लौंडिया लंदन से लाएंगे वाला स्टाइल में, गजब के हिपोक्रेसी बा, गजब के हिपोक्रेसी बा। ओकर बाद से जवाब तो रहने लोग बचावे तो कहत बड़न कि गलत आदमी के हम ना बचा सके नहीं, जितना कैले बड़ा उतना भोगबे करब, अब हम कुछ ना कर सकते नहीं। तो फाइनली ये फिल्म के कहानी बा, ओकर वैसे कैसे वो बच्चा मतलब सब करके बदला लेत बटे, ये बाटे ये फिल्म के कहानी। अब हम बता दी कि फिल्म के कहानी के निचोड़ में कुछ नहीं के रखल हुए। दरअसल ये फिल्म मुश्किल से आधा घंटा में अगर फिल्मावल चाहूँ तो आधा घंटा में फिल्मावल जा सकेला। ये फिल्म के ट्रेलर के देखला में इतना बोरियत महसूस होत बाटे, तो सोचिए अगर ये फिल्म रोमा देखे बैठ जाए तो कितना बोरियत फील हुई, मतलब सोच के भी अजीब और गजीब लागत बटे। मतलब यार इतना अब हम का बताएं, मतलब हिपोक्रेसी के सारा सीमा एमे फिल्म में पार हो गल बा। फिल्म के देखला के बाद मन एकदम पाक जाई, ना फिल्म में गाना अच्छा बा, ना ही फिल्म में एक्शन बाटे, ना ही फिल्म में कोनो सस्पेंस बाटे, सब कुछ खुला खुला से बा ये ट्रेलर में ही। तो अब बताई कि ये फिल्म के बैठ के टीवी तक और सिनेमा में अपन कपार फोड़वाई, हमके तो बड़ा कम उम्मीद लागत बा ये ट्रेलर से। बाकी अगर देखल जाओ ये फिल्म में यश कुमार के, तो यश कुमार के एज ए गेस्ट टाइप के रोल बटे, और कुछ खास एमे उनकर नहीं खे, बस वह लौंडियन के संगे एगो डांस वाला अजीब वाला गजीब थोड़ा सा रोल लागत बा, बाकी ना उनकर डायलॉग्स में दम दिखाई देत बा, ना ही उनकर एक्टिंग में ए फिल्म में एक्टिंग कर लायक उनकर बस कुछ है ही नहीं में करस का, सिंपल से बात बटे। ओकर बाद से फिल्म में निधि झा बाड़ी एगो माई के रोल में जौन की उनकर बच्चा गिरा रहा डे अपन रोल में ठीक ठाक हल्का फुल्का दिखाई देत बड़ी। बाकी राघव नायर बड़न, राघवेंद्र कुमार, विनोद मिश्रा, संदीप संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, ये सब लोग अपन अपन रोल में ठीक ठाक दिखाई देते बा। बाकी ये फिल्म अगर देखल निर्माता खुद यश कुमार के कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट भी है, और ये फिल्म के डायरेक्ट सुजीत वर्मा के बड़ा। सुजीत वर्मा जी इतना यार हल्का टाइप के स्टोरी रहुआ के तनक भी नहीं के शोभत, ना ही उतर के संवाद, ना ही उतर के थ्रिल, मतलब कुछ भी फीका फीका से एकदम फिल्म लागत बा। बाकी रमा लोग कैसा लगा रिव्यू जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और देखते रहें न्यूज़ तक भोजपुरी। बाकी हम जी